नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है Adobe Presenter। हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने लेक्चर्स को बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। तो इस मुश्किल समय में जब टीचिंग सस्पेंडेड है, तो हम घर बैठे ही अपने वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। रिमोटली स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के दो मेथड हैं, एक ऑनलाइन क्लासेस के साथ और दूसरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस हम कैसे ले सकते हैं वो हमने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी गिवन है। ऑनलाइन लेक्चर्स के अलावा एक और मेथड है अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को भेजना। इसके दो फायदे हैं, एक कि आप अपना लेक्चर कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टूडेंट भी उसे कभी भी देख सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स में हमें मीटिंग प्लान करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स और टीचर को उसी समय प्रेजेंट होना पड़ता है, तभी टीचर अपने कंटेंट डिलीवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल 10 बजे ऑनलाइन लेक्चर प्लान कर रहे हैं, तो 10 बजे आपको भी लाइव होना है और आपके बच्चों को भी लाइव होना है। लेकिन अगर आप और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो एक और ऑप्शन है जिसमें आप अपने वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को भेज सकते हैं और स्टूडेंट भी उसको कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं, तो उनको एक फिक्स टाइम पे लाइव होने की जरूरत नहीं है। तो आज किस तरह से हम अपने वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को भेज सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो है Adobe Presenter। तो Adobe Presenter को कैसे यूज कर सकते हैं और इसके कौन से फीचर्स हैं, आइए इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो Adobe Presenter को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। Adobe Presenter को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल कर सकते हैं Adobe Presenter 11, क्योंकि मैं यहाँ पे जो वर्जन यूज कर रहा हूँ वो 11 है, और ये आपको लिंक मिलेगा Adobe Presenter 11.1 क्रिएटिंग ई लर्निंग कोर्सेस फ्रॉम PPT स्लाइड्स। तो आप जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपकी ये वेबसाइट ओपन होगी। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एक फ्री ट्रायल अवेलेबल है, आप इस फ्री ट्रायल को डाउनलोड कर सकते हैं। Adobe Presenter के फ्री वर्जन को डाउनलोड करने के लिए आप फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप ये सॉफ्टवेयर अपनी मशीन पे डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद आपको अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, लाइक जॉब टाइटल, जॉब फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड सो ऑन। और इसके बाद आपके पास डाउनलोड का लिंक मिलेगा और आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कुछ हैवी है, सो कुछ टाइम लगेगा डाउनलोड करने में। जब आप सक्सेसफुली अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो जैसे मैं Adobe लिख रहा हूँ, तो आप देखते हैं कि एक लिंक मिल रहा है Adobe Presenter वीडियो एक्सप्रेस। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप Adobe Presenter शुरू करेंगे, ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन रहेगी। इसमें आपको ये तीन ऑप्शन दे रहा है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, पहली है वेबकैम, दूसरी है स्क्रीन और तीसरी है बोथ। वेबकैम का मतलब है कि आप अपना वीडियो सेशन लैपटॉप का वेबकैम यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपका वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और बाद में आप उसको एडिट करके स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन का मतलब है कि इसमें आपके जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन रन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद बच्चों से शेयर कर सकते हैं। बोथ का मतलब है कि इसमें आपके लैपटॉप का वेबकैम और स्क्रीन दोनों रिकॉर्ड होंगे, आप उनके बीच में स्विचिंग कर सकते हैं, अपने लेक्चर को एडिट करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। सिंपल लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक अच्छी ऑप्शन है, तो आइए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आप देखते हैं कि आपके सामने एक माइक्रोफोन अवेलेबल है और जितने भी माइक्रोफोन आपके लैपटॉप पे इनेबल्ड हैं उन सबकी लिस्ट मिलेगी। आप अपना डिजायरेबल माइक्रोफोन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रिकॉर्ड पे बटन पे क्लिक करेंगे, एक डाउन काउंटर शुरू हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी।
तो अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आइए अपना फर्स्ट वीडियो सेशन शुरू करते हैं। हाय, मायसेल्फ प्रतीक, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक्स ऑफ DBMS। लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ फोर टर्म्स, डेटा बेस, मैनेजमेंट एंड सिस्टम। In order to understand database, it's important to first learn about data and information. Data is raw facts and figure, while information is a processed form of data. For example, 2-3 is a data, while age 23 is information. Data cannot be used for decision making purposes, while information can be used for decision making. Data is atomic, while information is a collection of data. So, इस तरह से आप अपना पूरे का पूरा lecture deliver करेंगे, and then you can conclude with, and then you can conclude like, thanks for watching this video. तो इसके बाद आप अपनी जो recording है उसको pause करेंगे, तो आप देखते हैं कि हमने 1 minute 28 seconds की video record की है। आप done पे click करेंगे, आपसे वो इस फाइल को सेव करने के लिए एक नाम पूछेगा। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ नेम दिया टेस्ट DBMS सेशन, तो इसको हम सेव कर रहे हैं। तो सेव करने पे आप देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट होती है टेस्ट DBMS सेशन के नाम से, और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 1 minute 44 seconds की है। और अब हम इस वीडियोस को रिफाइन करेंगे, एडिट करेंगे और उसके बाद इसको पब्लिश करेंगे। तो कैसे ये सारे स्टेप करेंगे वो हम एक एक करके अब समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसको एडिट करना। तो एडिट करने से पहले हम चेक करते हैं कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है। तो इसको देखने के लिए आप इस प्ले के बटन को क्लिक करेंगे, एक डाउन काउंटर शुरू हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जो सेशन है उसको बड़ी अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया हुआ है, और मुझे अब इसमें एडिटिंग करनी है, जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव करना है। तो अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आइए अपना फर्स्ट वीडियो सेशन शुरू करते हैं। हाय, मायसेल्फ प्रतीक। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअली सेशन मैंने यहां से शुरू किया जब मैंने हाय बोला है, और इससे पहले के जो सारे कंटेंट है उसको मुझे डिलीट करना है या कट करना है। तो उसको कट करने के लिए हम बिगनिंग पे चलते हैं और ये ट्रिम की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे आप ट्रिम की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपको एक प्लस का साइन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कीजिए, साउंड काउंटर शुरू हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आइए अपना फर्स्ट वीडियो सेशन शुरू करते हैं। तो मैं इस पोर्शन तक, हाई से पहले तक सारे के सारा जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट किया और यहां टिक के ऊपर क्लिक किया। तो जैसे अब मैं टिक करता हूं तो आप देखते हैं कि ये लेक्चर अब मेरा डायरेक्टली यहीं से शुरू हो रहा है। हाय, मायसेल्फ प्रतीक, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक्स ऑफ DBMS। लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस। तो यहाँ पे अगेन हमने मिस्टेक किया, DBMS दोबारा बोला है, तो आप इसको भी कट कर सकते हैं। DBMS स्टैंड फॉर, तो मैं इसको भी कट कर रहा हूं। अब दोबारा प्ले करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ फोर टर्म्स, डेटा बेस, मैनेजमेंट एंड सिस्टम। In order to understand database, it's important to first learn about data and information. Data is raw facts and figure, while information is a processed form of data. For example, 2-3 is a data, while age 23 is information. Data cannot be used for decision making purposes, while information can be used for decision making. Data is atomic, while information is a collection of data. So, इस तरह से आप अपना पूरे का पूरा लेक्चर डिलीवर करेंगे। So, ये सब एक्स्ट्रा है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो अगेन मैं यहाँ पे ट्रिम को सिलेक्ट करने के बाद ये
कट करता हूं। सो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा लेक्चर डिलीवर करेंगे एंड देन यू कैन कंक्लूड विद एंड देन यू कैन कंक्लूड लाइक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं ये वाला पोर्शन रख लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद अब जो भी है वो एक्स्ट्रा है और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। दिस वीडियो, तो आप देखते हैं कि ओरिजिनल वीडियो 1:44 का था, लेकिन अब एडिटिंग होने के बाद ये 1:04 का हो गया। एडिटिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और एडिटिंग को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे टाइम बार है, आप इसको जूम करके एडिटिंग को बेटर कर सकते हैं। आपको जो टाइम स्पेसिस है वो और ब्रॉड मिलेंगे और आप अपनी एडिटिंग को प्रिसाइज कर सकते हैं। एडिटिंग को बेटर करने के लिए सजेशन यह है कि जब भी आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो आप उसके बाद कुछ पॉज दीजिए और उस लाइन को दोबारा बोलिए, सो दैट कि आप उन पॉज को आइडेंटिफाई कर सकें इस टाइम फ्रेम में और आप अपने वीडियो को उसके अकॉर्डिंगली कट कर सकें। अब हम इस वीडियो को एक टाइटल देना चाहते हैं या इसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो टाइटल देने के लिए आप इस वीडियो के बिल्कुल बिगनिंग पे जाएंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन है ब्रांडिंग की, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ब्रांडिंग पे क्लिक करते हैं तो देयर इज ऑप्शन वीडियो टाइटल टेक्स्ट, तो यहां आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बेसिक्स ऑफ DBMS, तो हमने अपना टाइटल ऐड कर दिया और अब ये वीडियो रेडी है पब्लिश होने के लिए। पब्लिश करने से पहले एक बार आप फाइनल कंटेंट को दोबारा से प्ले करते हैं। Myself Pratik, and in this session we are going to discuss basics of DBMS. Let us start this session. DBMS stands for Database Management System. It is made up of four terms: data, base, management, and system. In order to understand database, it's important to first learn about data and information. Data is raw facts and figure, while information is a processed form of data. For example, 2-3 is a data, while H23 is information. Data cannot be used for decision making purposes, while information can be used for decision making. Data is atomic, while information is a collection of data. Thanks for watching this video. तो आप देखते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से तैयार है, हमने इसको एडिट कर लिया, इसमें ब्रांडिंग ऐड कर ली। अब टाइम है इसको सेव करने का, तो सेव करने के लिए आप शेयर पे जाएंगे और इसमें एक ऑप्शन है कंप्यूटर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके वीडियो को प्रोसेस करेगा और इसकी MP4 फाइल क्रिएट करेगा। MP4 फाइल बनने के बाद आप इसको डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो फाइल रेडी हो चुकी है। ये वीडियो फाइल आपको आपके डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में मिलेगी, तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में आप देखते हैं कि एक फोल्डर है माई Adobe Presenter वीडियो प्रोजेक्ट पब्लिश्ड, आप इस पर क्लिक कीजिए और मेरी फाइल थी टेस्ट DBMS सेशन, इस फोल्डर पे क्लिक करूंगा और इसके अंदर ये वीडियो फाइल MP4 फाइल की अवेलेबल है जो कि अभी हमने रिकॉर्ड की है और आप इस फाइल को डायरेक्टली स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। तो आइए इस फाइल को एक बार प्ले करते हैं। हाय, मायसेल्फ प्रतीक। तो आप देखते हैं कि हमने 1:12 का एक वीडियो सेशन रिकॉर्ड कर लिया है और आप डायरेक्टली ये स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसान है Adobe Presenter को यूज करना और इसके साथ हम अपने वीडियो सेशन को घर बैठे रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप इस Adobe Presenter सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यूज कीजिए और आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के ऊपर जरूर मेंशन कीजिए। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा टीचर के साथ शेयर कीजिए सो दैट कि हम अपने वीडियो सेशंस को रिकॉर्ड कर सकें और स्टूडेंट्स को
भेज सकें। तो आइए घर बैठे ही अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें और स्टूडेंट से शेयर करें सो दैट कि इस मुश्किल समय में हम उनके लॉस को कम से कम कर सकें। इससे हमें भी अपना टाइम प्रोडक्टिव वे में स्पेंड करने को मिलेगा और कुछ नया सीखने को रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।